स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है नर जनन तंत्र कंप्लीट, मादा जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट, और अब टॉपिक आया युग्मक जनन। और युग्मक जनन शुक्र जनन अंड जनन, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया और अंडे के निर्माण की क्रिया, अंडाणु के निर्माण की क्रिया। शुक्र जनन वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होता है और यह प्यूबर्टी स्टेज आने पर प्रारंभ होता है। डन। युग्मक जनन के लिए जो हार्मोन चाहिए वो FSH और LH है स्टूडेंट। युग्मक जनन के लिए जो विटामिन चाहिए वो विटामिन ए और विटामिन ई है। युग्मक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। हमने शुक्र जनन की प्रक्रिया पूरी पढ़ ली। शुक्र जनन की क्रिया के अंदर स्टूडेंट शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार शुक्राणु बनते हैं। स्पर्मेटेट से शुक्राणु के निर्माण की घटना को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे कुछ टर्म्स पूछूं स्टूडेंट तो आपको टर्म्स आनी चाहिए। आज अगर मैं आपसे बोलूं स्पर्मियोजेनेसिस तो जवाब जाएगा स्पर्मेटेट से शुक्राणु का निर्माण, स्पर्मेटेट का शुक्राणु में परिवर्तित होना। अगर मैं आपसे बोलूं स्पर्मिएशन तो शुक्राणु का सर्टोली कोशिका और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से मुक्त होना। अगर मैं बोलूं सेमिनेशन तो शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना, वृषण से बाहर निकलना। अगर मैं बोलूं इजैकुलेशन स्खलन शुक्राणु का नर के शरीर से बाहर निकलना मुक्त होना। अगर मैं बोलूं इनसेमिनेशन तो शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में प्रवाहित होना। डन डन श्योर। तो ये तैयार है स्टूडेंट और अब हमारे पास आएगा टॉपिक, वह है शुक्राणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। एनसीईआरटी का सीक्वेंस ले रहे हैं और तैयार है। तो शुक्राणु की संरचना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुक्राणु की संरचना। ध्यान से देखिएगा, शुक्राणु जो होता है स्टूडेंट पूंछ युक्त होता है, गतिशील होता है, उसका वजन हल्का होता है स्टूडेंट, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड दीर्घित जिसे कहते हैं, ताकि गति कर सके आराम से। और शुक्राणु की संरचना के चार भाग होते हैं। एक होता है हेड भाग, सिर कहते हैं, एक होता है ग्रीवा, एक होता है मिडिल पीस और एक होती है टेल, डबल स्टार के साथ। एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडिल पीस, एक होती है टेल। जोरदार टॉपिक। तो शुक्राणु के संरचना के चार भाग है स्टूडेंट, ठीक है। स्टार्ट करता हूं, देखिएगा इधर। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म शुक्राणु की संरचना। और स्टूडेंट आपका सपोर्ट, एक स्पर्म के स्ट्रक्चर के चार भाग है, हेड नेक मिडिल पीस टेल सिर ग्रीवा मध्य भाग पूंछ। ये शुक्राणु की संरचना के चार भाग आपके सामने आ गए स्टूडेंट। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना में हेड भाग की। स्टूडेंट शुक्राणु की संरचना में अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ये उसका हेड पोर्शन होता है, ये रहा हेड पोर्शन स्टूडेंट। शुक्राणु में सबसे बाहर की तरफ एक प्लाज्मा कला झिल्ली होती है स्टूडेंट, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से सफेद रंग से जो मैं बना रहा हूँ ये प्लाज्मा कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शुक्राणु एक अगुणित कोशिका है स्टूडेंट, अगुणित कोशिका जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु एक कोशिका है, इसके बाहर प्लाज्मा कला पाई जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट, ये लीजिए प्लाज्मा झिल्ली, या ये शुक्राणु का ऊपर वाला पोर्शन, इसे हेड कहा जाता है जो दीर्घित यानी नुकीला भी होता है। इस हेड में दो चीजें पाई जाती है, शुक्राणु के सिर भाग में दो चीज होती है, एक आपको दिख रहा है ये केंद्रक, इसे शुक्राणु का न्यूक्लियस केंद्रक बोला जाता है स्टूडेंट, ये रहा। और एक होता है स्टूडेंट ये नुकीला टोपी के समान भाग, इसे एक्रोसोम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखेंगे सब लोग, ये एक्रोसोम है, ये केंद्रक है। तो शुक्राणु के सिर में दो चीजें होती है, एक केंद्रक एक एक्रोसोम स्टूडेंट। अब एक्रोसोम क्या है ध्यान से देखिएगा, एक्रोसोम टोपी के समान रचना होती है जो शुक्राणु के बिल्कुल टिप पर आगे के सिरे पर स्थित होती है। जी हाँ, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का निर्माण स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता है, उस दौरान स्टूडेंट स्पर्मेटेड का गोल्जी काय शुक्राणु के एक्रोसोम में बदल जाता है। एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, जी हाँ, और वो सारे अपघटनीय एंजाइम सम्मिलित रूप से स्पर्म लाइसेंस कहलाते हैं। जोरदार टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भरे होते हैं और वह एंजाइम स्पर्म लाइसिन कहलाते हैं सम्मिलित रूप से।
क्लियर। आगे बात करूंगा आपसे और ज्यादा। स्पर्म लाइसिन कहलाते हैं स्टूडेंट। एक्रोसोम में एंजाइम भरे। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होगा। एक्रोसोम स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान बनता है। इसका रोल क्या है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। हर जंतु के अंडे के ऊपर दो अंडावरण होते हैं। मान लीजिए ये एक अंडा है श्योर, तो इस अंडे के ऊपर दो अंडावरण पाए जाएंगे। एक अंडावरण ये रहा स्टूडेंट, एग मेम्ब्रेन मान लीजिए, और एक अंडावरण ये रहा स्टूडेंट, डबल स्टार दिस वन, ये रहा इस तरीके से। तो अंडे के ऊपर दो अंडावरण होते हैं, जी हाँ। अब अगर शुक्राणु यहाँ आता है स्टूडेंट, गौर कीजिएगा बिल्कुल मेरी बात पे, ये शुक्राणु आया दिस वन, ये शुक्राणु आया ये, अब उसको अंडे को निषेचित करना है। बहुत सारे शुक्राणु अंडे के पास पहुंचेंगे, उन्हें निषेचित करना है अंडे को। लेकिन लेकिन कैसे करें, अंडे के ऊपर तो दो अंडावरणों का सुरक्षात्मक कवच है, तो फिर अंडावरणों को भेदना पड़ेगा, उसके बाद ही शुक्राणु अंडे के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर पाएगा। तो अंडावरणों को भेदने हेतु स्टूडेंट शुक्राणु के पास होता है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का महत्व क्या है, एक्रोसोम निषेचन में सहायक होता है। एक्रोसोम अंडे के ऊपर उपस्थित अंडावरणों को हटा देता है। आ रहा है कुछ समझ में जो मैं बोल रहा हूं, डबल स्टार स्टूडेंट। एक्रोसोम अंडे पर उपस्थित अंडावरणों को हटाकर भेदकर स्टूडेंट अंडे में प्रवेश कर निषेचन की क्रिया को संपन्न करता है। यह पॉइंट आपके सामने आ गया, डबल स्टार के साथ बोल रहा हूं। तो एक्रोसोम के ऊपर जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी नीट की लाइनें सुन लो आप, एक्रोसोम निषेचन में सहायक होता है, एक्रोसोम गोल्जी काय से बनता है, एक्रोसोम स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान बनता है, एक्रोसोम शुक्राणु में उपस्थित है और इसमें एंजाइम भरे हैं जो अंडे पर उपस्थित अंडावरणों को भेद देते हैं, घोल देते हैं ताकि शुक्राणु का प्रवेश अंडे में हो सके। डन, पॉइंट हमारा क्लियर हुआ स्टूडेंट। ये बताना था आपको, तो पूरा तैयार यहां तक का मुझे लग रहा है श्योर। चलिए अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर का भाग न्यूक्लियस केंद्रक, और केंद्रक में अगुणित क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं स्टूडेंट श्योर। यह इसका केंद्रक होता है, यह भी दीर्घित होता है, यस ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का भाग आता है इसका नेक स्टूडेंट, ये दबाव सकड़ा स्थान थोड़ा सा, इसे ग्रीवा कहते हैं शुक्राणु की। और शुक्राणु की ग्रीवा में दो रचनाएं होती, दो तारक केंद्र होते हैं, ये रहा समीपस्थ तारक केंद्र, ये होता है दूरस्थ तारक केंद्र, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा स्टूडेंट ध्यान से। ये दिस वन, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा, समीपस्थ तारक केंद्र स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट आपके लिए। और ये डिस्टल सेंट्रियोल कहलाएगा स्टूडेंट, दूरस्थ तारक केंद्र, दोनों के दोनों लगभग 90 डिग्री के एंगल पर है स्टूडेंट। समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल, समीपस्थ सेंट्रियोल का क्या महत्व है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। या कि ना निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है स्टूडेंट, निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है उसमें विभाजन प्रारंभ करना होता है, या प्रथम विदलन विभाजन कहते हैं उसको, या और उसके लिए तारक केंद्र सेंट्रियोल की जरूरत होती है। अंडे के अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सा कोशिका अंग नहीं है, डबल स्टार सेंट्रियोल। अंडे के कोशिका द्रव्य में सेंट्रियोल नहीं होता है, नॉलेज का पॉइंट दे रहा हूं। और शुक्राणु के कोशिका द्रव्य में अंतःपृथ्वी जालिका नहीं होती है, ईआर। तो शुक्राणु में नहीं मिलने वाला कोशिका अंग ईआर, अंडे में नहीं मिलने वाला कोशिका अंग सेंट्रियोल। तो विदलन विभाजन प्रारंभ करने के लिए जायगोट में, जी हां युग्मनज में विदलन विभाजन यानी विभाजन प्रारंभ करना है, उसके लिए जरूरत है सेंट्रियोल की। अब अंडे के पास तो है नहीं, तो शुक्राणु अपना सेंट्रियोल देगा और वही वाला होगा, यानी प्रोग समीपस्थ तारक केंद्र का उपयोग यहां नहीं है स्टूडेंट। इसका निषेचन के बाद जायगोट में प्रथम विभाजन प्रारंभ करने में रोल है, डबल स्टार के साथ स्टूडेंट, जोरदार चीज ये लीजिए। डन, अगला आइए स्टूडेंट सेकंड नंबर, डिस्टल सेंट्रियोल नाम रखा गया, ये रहा डिस्टल सेंट्रियोल स्टूडेंट। और डिस्टल सेंट्रियोल को दूरस्थ तारक केंद्र कहेंगे, ये अक्षीय तंतु बनाने का काम करता है, एक्सिल फिलामेंट जो नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे मकान में सरिये होते हैं स्टूडेंट जो मकान को सामर्थ्य देते हैं स्ट्रेंथ, या ऐसे ही शुक्राणु की संरचना को सामर्थ्य देने के लिए रॉड छड़ रूपी अक्षीय तंतु होते हैं स्टूडेंट, या और ये रहा वो अक्षीय तंतु जो नीचे गए, इन्हें डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाया। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल,
प्राथमिक तारक केंद्र, दूरस्थ तारक केंद्र दोनों होते हैं। प्राथमिक वाला जो है वो युग्मनज में पहला विभाजन प्रारंभ करता है और दूरस्थ वाला अक्षी तंतु बनाने का काम करता है। डन। अब आया शुक्राणु का अगला भाग जिसे मिडिल पीस के नाम से बुलाया जाता है, श्योर मध्य भाग, और इसमें एक्सिल फिलामेंट होता है स्टूडेंट। ये रहे छड़ के समान एक्सिल फिलामेंट, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रहा दिस वन, इन्हें एक्सिल फिलामेंट के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। एक्सिल फिलामेंट ये रहे छड़ के समान होते हैं, ये दूरा सेंट्रल से निकले, ये मध्य भाग में स्थित है। इन एक्सिल फिलामेंट के चारों तरफ स्टूडेंट सर्पिलाकार क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हो जाते हैं। तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और अक्षय तंतु पाए जाते हैं। डबल स्टार, माइटोकॉन्ड्रिया सामान्य रूप के बजाय सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिलाकार व्यवस्था है स्टूडेंट। आ रहा है आपको समझ में? इधर देखेंगे मैं एक दो बना के देता हूँ स्टूडेंट। ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया, ये और माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिलाकार व्यवस्था है स्टूडेंट। ए डबल स्टार स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे सब लोग, श्योर। और माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिलाकार व्यवस्था को स्टूडेंट ये जो है ये नहीं, ये सर्पिलाकार व्यवस्था माइटोकॉन्ड्रिया की नेबन कर्ण शीट कहलाती है। यस स्टूडेंट, शानदार डबल स्टार, इसे नेबन कर्ण आच्छद कहा जाता है। नेबन कर्ण आच्छद, नेबन कर्ण आच्छद कहते हैं इसको स्टूडेंट, नेबन कर्ण शीट। तो आज के बाद शुक्राणु के मध्य भाग में अक्षय तंतु है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एक बात और मैं बताऊं, शुक्राणु का वजन हल्का करने के लिए उसके सारे कोशिका द्रव्य को बाहर निकाल दिया जाता है, या इसलिए कोशिका द्रव्य एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है और शुक्राणु के प्लाज्मा कला के चिपक के चलता है। ये देखिए आप, ये एक बार और स्टूडेंट, ये पतली परत के रूप में शुक्राणु का कोशिका द्रव्य, ये दिख रहा है आपको जो प्लाज्मा कला से चिपक के चल रहा है स्टूडेंट, जोरदार ध्यान से देखें। या कोशिका द्रव्य की ये पतली परत मैन चैट कहलाती है स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ दिस वन, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज कॉल्ड मैन चैट स्टूडेंट। मैन चैट नाम होता है शुक्राणु में उपस्थित कोशिका द्रव्य की पतली परत का। तो मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और अक्षय तंतु है। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में गति के दौरान ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, इसलिए शुक्राणु के मध्य भाग को एनर्जी चैम्बर, ऊर्जा कक्ष कहा जाता है। डबल स्टार, शुक्राणु के मध्य भाग को ऊर्जा कक्ष कहा जाता है, एनर्जी चैम्बर, क्योंकि गति के समय ऊर्जा देने का काम ये कक्ष करता है। एनी प्रॉब्लम? शानदार तैयार स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया एक बात, देखिएगा तो शुक्राणु का पहला भाग हेड है जिसमें केंद्रक प्लस एक्रोसोम है, दूसरा भाग नेक है जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल तारक केंद्र है, तीसरा भाग मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और अक्षय तंतु है। शुक्राणु का कोशिका द्रव्य एक पतली परत के रूप में है जिसे मैनचैट कहते हैं। शुक्राणु का एनर्जी चैम्बर मिडिल पीस है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित है, इसे नेबन कर्ण आच्छद कहते हैं। आ रहा है समझ में आप? डन। अब आएगा स्टूडेंट ये एरिया पीछे। एक बात बताना चाहूंगा आपको थोड़ी नॉलेज के लिए स्टूडेंट, कि शुक्राणु के अंदर इस जगह पर स्टूडेंट दिस वन, यहाँ ये रहा एक रिंग सेंट्रियोल भी देखने को मिला है। ये इसका काम अभी इतना पता नहीं है, अज्ञान है, लेकिन फिर भी बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। ये रहा तो मिडिल पीस की शुरुआत तो डिस्टल सेंट्रियोल से हुई और समाप्ति रिंग सेंट्रियोल पे, इन दोनों सेंट्रियोल के बीच मिडिल पीस है। अब आइए शुक्राणु का सबसे लंबा भाग जिसे टेल के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, यह है टेल। तो शुक्राणु का सबसे लंबा भाग टेल है, ये कशाब युक्त होती है, फ्लैजिला जिसे कहते हैं। शुक्राणु की पूंछ कशाब युक्त है, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड टेल होती है स्टूडेंट। हमारे पूरे शरीर में कहीं कशाब, फ्लैजिला नहीं पाया जाता, डबल स्टार, सिर्फ शुक्राणु के पूंछ में फ्लैजिला उपस्थित होता है। तो शुक्राणु की पूंछ में फ्लैजिला उपस्थित है, डन। चार, ये फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड टेल स्टूडेंट, क्लियर है। ये पूंछ का अंतस्थ सिरा होता है ये, तो स्टूडेंट ये, और पूंछ गमन में सहायक होती है, मूवमेंट के लिए।
जो शुक्राणु में पूंछ गमन हेतु होती है, सबसे लंबा भाग है और ये कशाब युक्त होती है, फ्लैजिला। यह तो शुक्राणु की संरचना चार भाग, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, डन। हेड में एक्रोसोम और न्यूक्लियस सबके काम। इसका नाम एक्रोसोम, एक्रोसोम निषेचन में सहायक अंडे पर उपस्थित अंडावरणों को भेदता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। न्यूक्लियस दीर्घित, दीर्घित यानी स्टूडेंट एक न्यूक्लियस होता है, दीर्घित होता है, अगुणित होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियल, इसका काम जायगोट में प्रथम विभाजन प्रारंभ करना है। डिस्टल सेंट्रियल, इसका काम अक्षय तंतु का निर्माण करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का सर्पिलाकार क्रम, इसे नेबन करना अक्षत कहते हैं, यह गमन के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। रिंग सेंट्रियल ऑफ टेल, सबसे लंबा भाग और कोशिका द्रव्य में स्टूडेंट, कोशिका द्रव्य पतली परत मैन चैट के रूप में। तो यह आज एक वर्ड तो हमारे पास शुक्राणु की संरचना। अब जरा इधर आइए, थ्योरी। शुक्राणु के सिर भाग में केंद्रक व एक्रोसोम होते हैं, डबल स्टार, क्लियर। अगला आइए मेरे बेटा, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, ऑल इंडिया पीएमटी में कई बार आ गया होता है। इसमें जलअपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान, श्योर। ये लीजिए स्टूडेंट, आगे बढ़ूंगा, आपका बेहद ध्यान से सुनना। एक्रोसोम अंडावरण को भेदने में सहायक होता है, यह निषेचन में सहायक है, डबल स्टार, क्लियर हमारा पॉइंट, श्योर। अगला आएंगे बेटा, नेक्स्ट। उसके बाद आता है नेक में समीपस्थारक का केंद्र और दूरस्थारक केंद्र होता है। तो समीपस्थारक केंद्र निषेचन के बाद युग्मनज में प्रथम विभाजन को प्रेरित करता है, पढ़ लिया साहब। अगला आइए स्टूडेंट, शुक्राणु का सबसे लंबा भाग पूंछ होता है जो गति में सहायक होता है, श्योर। अगला स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, शुक्राणु के मध्य भाग जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए शुक्राणु के मध्य भाग को शुक्राणु का पावर हाउस बोला जाता है, डन, क्लियर। एक और बात स्टूडेंट, अंडे के कोशिकांग, अंडे में जो कोशिकांग नहीं होता उसे सेंट्रियल, क्लियर। शुक्राणु में जो कोशिकांग नहीं होता उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रतिवी जालिका के नाम से बुलाया जाता है। याद हुआ कुछ जो मैं बोल रहा हूं? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद अगला, डिस्टल सेंट्रियल अक्षय तंतु का निर्माण करता है, बिल्कुल साफ, अक्षय तंतु का निर्माण करता है डिस्टल सेंट्रियल, क्लियर हमारा ये। अगले पे आओ स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये पॉइंट क्लियर। अब आप शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, अक्षय तंतु, कोशिका द्रव्य उपस्थित होते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु का कोशिका द्रव्य एक पतली परत के रूप में होता है जिसे मैनचेट कहते हैं, डन। सब हमने तैयार कर लिया, लाइनें लिखी हुई है, क्लियर। अगला, शुक्राणु के मिडिल भाग में सभी माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे नेबन कण अक्षत, नेबन कण शीट कहते हैं, क्लियर। बोलो हाँ, है ना, बढ़िया, समझ में आया नहीं है? ये तैयार स्टूडेंट, डन। तो हमारे पास ये पूरा पॉइंट हो गया शुक्राणु की संरचना से रिलेटेड। एक बार आप चाहो तो मैं पूरा रिवाइज करवा दूं। ये शुक्राणु का पावर हाउस तैयार, सबसे लंबा भाग पूंछ होता है जो गति में सहायक है, कौन सा कोशिकांग अंडे में नहीं है सेंट्रियल, कौन सा कोशिकांग शुक्राणु में नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब हमने स्ट्रक्चर। तो हमने एक टॉपिक एनसीईआरटी का स्पर्म की संरचना वो भी ले लिया, शुक्रजनन वो कंप्लीट, स्पर्म की संरचना वो कंप्लीट, डन। ये तैयार स्टूडेंट टॉपिक। अगर मैं आपको स्टूडेंट कुछ रिवाइज कराने से रिलेटेड बात करूं तो जरा मुझे सपोर्ट करिएगा, स्टार्ट देखिएगा था। अब अगर हम रिवीजन करें स्टूडेंट, तो रिवीजन में जरा मैं कुछ आपसे वर्ड पूछूं और आपको तैयार होने चाहिए, स्टार्ट। आज के बाद कोई हमसे बोले यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, हमें आता है,
डन। स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग जरा बताएं। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का पूंछ युक्त गतिशील शुक्राणु में परिवर्तित होना। अगला वर्ड स्टूडेंट हमसे वह पूछे मैनचेट। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट मैनचेट के बाद अगर हम आगे की बात करें नेक्स्ट किसाब मैनचेट के बाद सेमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड साहब नेबन कॉर्न शीट। ये सारे वर्ड हमें आने चाहिए स्टूडेंट जोरदार। हेस्ट्रेक्टोमी। यस स्टूडेंट हेस्ट्रेक्टोमी का मीनिंग आना चाहिए। अगला हेस्ट्रेक्टोमी के बाद यस स्टूडेंट नेक्स्ट इज इनसेमिनेशन। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म स्टूडेंट तो आज जोरदार पॉइंट चल रहा है परमानेंट याद करने के लिए। ध्यान से सुने कोई हमसे एक एक मीनिंग पूछे इसका आ गया डन। मैनचेट पूछे तैयार है साहब मैनचेट बिल्कुल साहब तैयार है। मैनचेट मतलब क्या शुक्राणु में कोशिका द्रव्य की पतली परत। क्लियर। सेमिनेशन शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना सेमिनेशन। डन। नेबन कॉर्न शीट शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया की सर्पिलाकार व्यवस्था। डन। हेस्ट्रेक्टोमी गर्भाशय को शल्य क्रिया से बाहर निकाल देना। डन। इनसेमिनेशन शुक्राणु का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित तो प्रवाहित होना। डन। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वृषण का उदर गुहा से वृषण कोशों में ना आना वह घटना क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्लियर। यस स्टूडेंट एक वर्ड आएगा ट्यूबेक्टोमी। ओके साहब एक वर्ड आएगा वैसेक्टोमी। ओके साहब एक वर्ड आएगा अगर और पूछे स्टूडेंट तो स्पर्मिएशन। ओके साहब अब आपने कहा साहब क्या होता है ट्यूबेक्टोमी अंडवाहिनी को काट देना या बांध देना। डन। वैसेक्टोमी शुक्रवाहिनी को काट देना या बांध देना। डन। स्पर्मिएशन शुक्राणु का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मुक्त होना स्पर्मिएशन। या तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना पहले स्पर्मियोजेनेसिस होगा फिर स्पर्मिएशन होगा फिर सेमिनेशन होगा फिर इजाकुलेशन होगा फिर इनसेमिनेशन होगा। डन। यस ये क्रम है स्टूडेंट जोरदार जो मैंने आपको तैयार करवा दिया। हाँ या ना क्लियर है। ओके बेटा तो हमारा पूरा परफेक्ट हुआ यहां तक। अगर हमसे हार्मोन और उसके बारे में पूछा जाए तो भी तैयार ठीक है। परिवर्तनशील शुक्राणु को पोषण देगा सर्टोली कोशिका। इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण सर्टोली कोशिका। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण लेडिंग कोशिका। क्लियर ये तैयार। तो शुक्र जनन कंप्लीट। सर्टोली कोशिका के कार्य का नियमन FSH। लेडिंग कोशिका के कार्य का नियमन LH। ठीक अब बारी आती है स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो वो बारी आती है अब नेक्स्ट और वो आती है अंडजनन ओजेनेसिस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडजनन। अब हम इसको लेते हैं स्टूडेंट अंडजनन के टॉपिक को तो स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडजनन। यस ओजेनेसिस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडजनन से रिलेटेड बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कि अंडजनन की घटना अंडाशय में होती है। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। यह अंडाशय में होती है स्टूडेंट। अंडाशय में जननी कुप्कला होती है उससे होती है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि अंडजनन भ्रूणावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। एक लड़की जब स्टूडेंट अपने माँ के गर्भाशय में जो उसका गर्भ काल के दौरान परिवर्तन हो रहा है तभी उसमें अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है अंडजनन। जबकि लड़के में 11, 12, 13 साल की उम्र तक प्यूबर्टी स्टेज आने तक एक भी शुक्राणु नहीं बनता। डबल स्टार अंडजनन की प्रक्रिया और जननी कुप्कला में बारंबार विभाजन से मिलियन मिलियन स्टूडेंट उगोनिया का निर्माण हो जाता है एक लड़की में भ्रूणावस्था में।
मिलियन उगोनिया दोनों अंडाशयों में मिलाकर बहुत सारे उगोनिया बन जाते हैं। जी हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक लड़की के जन्म के बाद उसमें एक सिंगल उगोनिया नहीं बनता, उसकी जननी कुप्पला कभी काम नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लड़की के जन्म के बाद एक सिंगल उगोनिया, कोई उगोनिया का ना उत्पादन होता है ना जोड़ी जाएगी। जितने उगोनिया भ्रूणावस्था में बन गई लड़की में, बन गई। डबल स्टार। आज अगर अंडाशय में उपस्थित सारी पुटिकाओं को मार दिया जाए एक लड़की में, तब उसमें जीवन में एक अंडा नहीं बन सकता, एक पुटिका नहीं बन सकता। लेकिन अगर वृषण में उपस्थित सारे शुक्राणु लड़के में मार दिया जाए तो भी दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि उसकी जननी कुप्पला हमेशा काम करती है। जोरदार इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट की नो वन उगोनिया, एक सिंगल उगोनिया नहीं बनती जन्म के बाद। तो हम अंडे जनन की प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको स्टोरी की तरह याद कराऊंगा। अंडे जनन, अंडाणु के निर्माण की क्रिया जो कि अंडाशय में होती है और जो भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाती है, और इससे मिलियन उगोनिया भ्रूणावस्था में बन जाते हैं एक लड़की के दोनों अंडाशयों में मिलाकर। जन्म के बाद एक सिंगल उगोनिया का उत्पादन नहीं कर सकती लड़की, उसकी जननी कुप्पला कोई उगोनिया नहीं बनाती। हाँ या ना, स्टार्ट करें स्टूडेंट। आइए तो मैं आपको कुछ अंडजनन और से रिलेटेड पॉइंट। पहले तो स्टूडेंट, परिपक्व गैमेट्स यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। परिपक्व स्टूडेंट, अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। डन। मादा में अंडजनन की क्रिया भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाती है। जोरदार। सभी उगोनिया भ्रूणावस्था में बन जाते हैं, कोई भी उगोनिया जन्म के बाद नहीं बनती। जोरदार। ये लीजिए स्टूडेंट, हाँ या ना, बहुत सारी उगोनिया, जन्म के बाद कोई उगोनिया नहीं बनेगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना आपको जो मैं बोल रहा हूं। समसूत्री विभाजन करके, बार बार समसूत्री विभाजन करके उगोनिया का निर्माण भ्रूणावस्था में हो जाता है। ये मान लीजिए एक लड़की की जननी कुप्पला अंडाशय में जो होती है उसमें पाई जाने वाली कोशिका है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये कोशिका द्विगुणित कोशिका, और इनको बोला जाता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। ये और इनमें समसूत्री विभाजन होता है स्टूडेंट, और बारंबार समसूत्री विभाजन से कोशिकाएं बनती जाती है, समसूत्री विभाजन हो रहा है और ये बन गई स्टूडेंट ये। और बनने वाली इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया? उगोनिया। जी हाँ, उगोनिया। और विभाजन कौन सा? माइटोसिस डिवीजन स्टूडेंट, समसूत्री विभाजन। यानी कि अब गुणन प्रावस्था पूरी हुई, और स्टूडेंट डबल स्टार कि एक लड़की में गुणन प्रावस्था भ्रूणावस्था में हो जाती। अब आप मेरी बात को सुनना, बन गई उगोनिया, बन गई। अब स्टूडेंट, कुछ उगोनिया आकार में वृद्धि करती है, इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और इनमें भोज्य पदार्थ पोषक पदार्थ का संग्रह होता है, और यह आकार में फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, कई गुना आकार बढ़ जाता है। विभाजन कुछ नहीं होता, प्रावस्था का नाम ग्रोथ फेज है। आकार में वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, पोषक पदार्थ बढ़ जाते हैं, और तब फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, और फूल कर बड़ी हुई संरचना को नाम देते हैं प्राइमरी ऊसाइट। स्टूडेंट डबल स्टार के साथ देखिए इधर, ये जो फूली हुई रचना बनी स्टूडेंट, दिस वन, इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी ऊसाइट, जो कि द्विगुणित रचना है और वृद्धि प्रावस्था हुई, इसमें पोषक पदार्थ भर गए स्टूडेंट। डबल स्टार यानी कि मादा में वृद्धि प्रावस्था भी भ्रूण अवस्था में ही होती है। गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था दोनों भ्रूण अवस्था में होती है, और पोषक पदार्थ जो भरा जाता है अंडे में उसे पीतक कहते हैं, योग कहते हैं। शानदार। डबल स्टार स्टूडेंट, जो योग, जो पीतक भरा जाता है स्टूडेंट, या अंडे में जो संग्रहित कराया जाता है उसे पीतक कहा जाता है। योग, अंडे का संग्रहित भोज्य पदार्थ पीतक कहलाता है। योग, योग का निर्माण लीवर में होता है, इसकी घटना को पीतक जनन कहते हैं, इस बनाने की, इसके निर्माण की प्रक्रिया को, और पीतक योग जिसे कहते हैं स्टूडेंट, या वर्ड यूज कर रहे हैं हम योग, या स्टूडेंट ये है योग पीतक, और ये लीवर में बनेगा। पीतक लीवर में बनता है, पीतक जनन क्रिया द्वारा बनता है।
हाँ या ना? शानदार पिताक, मैं सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड होता है, पिताक मैं सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये वो पॉइंट्स है जो हमें तैयार करने बेस्ट। सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड होता है, सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और पीतक वृद्धि प्रावस्था में बढ़ता है, ठीक है। और जिन जिन उगोनियों में बनता है स्टूडेंट, उन्हें प्राइमरी ऊसाइड कहा जाता है। जोरदार तैयार। तो प्राइमरी ऊसाइड स्टूडेंट भ्रूण अवस्था में बन जाएगी। क्लियर अभी तक? आगे बढ़े। उगोनिया आकार में वृद्धि करती है और प्राइमरी ऊसाइड में बदल जाती है। इस वृद्धि प्रावस्था में प्राइमरी ऊसाइट में पीतक का संग्रह होता है। ये आ गया स्टूडेंट पीतक, योक, डबल स्टार, दिस वन। योक का निर्माण लीवर में होता है। योक में सर्वाधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड तथा सबसे कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारे पास पॉइंट्स, अल्टीमेट टॉपिक। अंड जनन, भ्रूण अवस्था में प्रारंभ, मिलियन उगोनिया का निर्माण। एक उगोनिया भी जन्म के बाद नहीं बनेगी किसी लड़की में। सारी उगोनिया अगर उसके अंडाशय की मार दी जाए, नष्ट कर दी जाए स्टूडेंट, तो उस लड़की में एक सिंगल अंडा नहीं बनेगा पूरी जिंदगी। जो बनने वाली उगोनिया, उनमें से कुछ उगोनिया को भोज्य पदार्थ के संग्रह और कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ जाने से वो फूल जाती है और उन्हें प्राथमिक उगोनिया कहा जाता है, प्राइमरी ओसाइट, प्राथमिक अंडा। और जो भोज्य पदार्थ उनमें भरा गया है उसका नाम योक है, पीतक है। इसका निर्माण लीवर में होता है। अब स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना, ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ करेगी। अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट प्रारंभ करेगी। पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने की इच्छा है, वो सुनिए। सम आप लोग सेल डिविजन यानी कि कोशिका विभाजन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आते चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार चरण। इन चारों चरणों को पूरा करने के बाद ही विभाजन पूर्ण होता है। तो जैसे ही अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट प्रारंभ करा और प्रोफेज स्टेज आई और विभाजन रुक गया स्टूडेंट, हाँ विभाजन रुक जाएगा और लड़की का जन्म हो जाएगा। यानी डबल स्टार के अर्धसूत्र विभाजन पूरा नहीं हुआ है और प्राइमरी ओसाइट में अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ हुआ है, बस प्रोफेज अवस्था गुजरी और रुक गया विभाजन और लड़की का जन्म हो गया। यानी डबल स्टार जन्म के समय अंडाशय में प्राइमरी ओसाइट अवस्था होती है। चिया अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट प्रारंभ हो गया है, समाप्त नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। जोरदार, ये देखिए स्टूडेंट प्राइमरी ओसाइट स्टार्ट करेगा मियोसिस फर्स्ट बट स्टॉप एट प्रोफेज स्टेज, प्रोफेज अवस्था में रुक जाएगा विभाजन और अब जन्म हो गया स्टूडेंट। यानी यहां से लेकर यहां तक डबल स्टार ये स्टूडेंट कहलाएगा भ्रूणावस्था, इन एम्ब्रियो स्टेज भ्रूणावस्था, ये पूरी भ्रूणावस्था स्टूडेंट। ये लीजिए, एक बार और बोलना चाहूंगा, भ्रूणावस्था एम्ब्रियो स्टेज और उसमें ही आगे डन। अब इसका आगे का विभाजन स्टूडेंट, आगे की प्रक्रिया प्यूबर्टी स्टेज आने पर पूर्ण होगी स्टूडेंट। प्यूबर्टी स्टेज यौवनावस्था जिसे कहते हैं, और मादा में प्यूबर्टी स्टेज 11 से 14 साल की उम्र में आती है, 12 वर्ष 13 वर्ष की उम्र में आती है। यानी कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक अंडाशय में प्राइमरी ओसाइट अवस्था में पड़ा रहेगा। जिया जोरदार, जन्म के से लेकर और प्यूबर्टी स्टेज तक प्राइमरी ओसाइट अवस्था में फॉलिकल्स रहेंगी, पुटिकाएं रहेंगी स्टूडेंट। मिलियन उगोनिया का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, लेकिन उनसे जन्म के समय तक 4 से 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल बनके एक लड़की का जन्म होता है। उसके दोनों अंडाशय में मिला के 4 से 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राथमिक ओसाइट होती है, प्राइमरी ओसाइट। और जब प्यूबर्टी स्टेज आती है 12 साल तक स्टूडेंट, तब उसके दोनों अंडाशय में स्टूडेंट
तो प्रत्येक अंडाशय में 60,000 से 80,000 फॉलिकल बसती है, 60,000 से 80,000 इस अंडाशय में, 60,000 से 80,000 इधर, अप्रॉक्स औसत निकाले तो 1.5 लाख फॉलिकल बची है, 4 से 5 लाख फॉलिकल लेके एक लड़की का जन्म होता है, पुटिकाओं को लेकर पैदा होती है, और 12 वर्ष की आयु आते आते प्यूबर्टी स्टेज आते आते उसके अंदर 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में बसती है, दोनों में मिला के 1.5 लाख प्राइमरी प्राथमिक पुटिकाएं बसती है, बाकी सारी 2.5 से 3 लाख प्राथमिक पुटिकाएं नष्ट हो जाती, क्षतिग्रस्त हो जाती, ऐसी पुटिकाएं जो मर जाती है, नष्ट हो जाती है, उन्हें एट्रिटिक पुटिकाएं कहते हैं, और इस घटना को एट्रिशिया कहते हैं। जोरदार टॉपिक चल रहा है, पुटिकाओं का आगे का परिवर्तन प्यूबर्टी स्टेज में होता है, 12 वर्ष की आयु 13 वर्ष की आयु तक आते आते होता है, मादा में स्टूडेंट 4 से 5 लाख पुटिकाएं लेकर एक लड़की का जन्म होता है, और प्यूबर्टी स्टेज आते आते 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में पुटिका शेष बसती है, बाकी सारी पुटिकाएं मर जाती है, इस घटना को एट्रेशिया कहते हैं, और इन्हें एट्रेटिक पुटिकाएं कहा जाता है। हाँ या ना? उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, हर महीने एक अंडे का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, और लगभग 48 साल से 50 साल की उम्र आते आते फीमेल में दोनों अंडाशय की सभी पुटिकाएं खत्म हो चुकी होती है, और अब कोई डेवलपमेंट नहीं होता, यानी 12 वर्ष से लेकर 48 वर्ष की आयु तक मादा के अंदर पुटिकाओं का परिवर्तन चलता है, और हर महीने एक अंडा उत्सर्जित होता है, निकलता है अंडाशय से, यानी एक वर्ष में 12 अंडे रिलीज किए जाएंगे, अगर हम इसको औसत लें तो फीमेल में जनन क्षमता 36 वर्ष के आसपास होती है, 35 से 36 वर्ष की आयु, क्योंकि 12 वर्ष से उसमें चालू हुआ और 48 वर्ष बाद उसकी दोनों अंडाशय में सारी पुटिका खत्म हो गई और नई पुटिका बन नहीं सकती। स्टूडेंट इसलिए कहा जाता है कि मादा में लंबी आयु होने पर 42 साल 44 साल गर्भावस्था होने पर बच्चे में विकार क्यों आते हैं, कमियां क्यों रह जाती है, बीमारियां क्यों लेकर बच्चा पैदा होता है, क्योंकि वो ऊसाइट पुराने हो गए थे, जन्म से वही ऊसाइट थे। अगर कोई फीमेल 44 साल की उम्र में गर्भावस्था लेती है, 42 साल में गर्भावस्था लाती है, तो उसके अंडे 42 साल पुराने वाले, इसलिए विकार के चांसेस ज्यादा है। नहीं यही बात, बहुत जोरदार टॉपिक। 48 साल के बाद उसमें एक भी 50 वर्ष की आयु आती हो तब उसमें कोई अंडे का परिवर्तन नहीं होगा, कोई गर्भावस्था नहीं होगा, या फीमेल में। डन, पॉइंट्स के साथ चल रहे हैं स्टूडेंट, आगे बढ़िएगा, ये हमारा पूरा स्टार क्लियर है। आगे के स्टार देता हूं, प्राइमरी ओसाइट में पहला अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ होता है जो प्रोफेज अवस्था में रुक जाता है, जी हाँ स्टूडेंट, और भ्रूणावस्था में ही हो जाता है, भ्रूणावस्था में। चलो डन, जन्म के समय लगभग 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल उपस्थित होती है, अगला परिवर्तन प्यूबर्टी स्टेज आने पर होता है, यौवन अवस्था के समय स्टूडेंट मोस्ट बॉर्डर लाइन के आने पर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होती है अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में बसती है स्टूडेंट, डबल स्टार प्रत्येक अंडाशय में, एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी हमने तैयार कर ली, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रत्येक अंडाशय में बसती है तथा शेष पुटिकाएं अपहासित हो जाती है, इसे इन्हें एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं और इस घटना को एट्रेशिया कहते हैं। या जोरदार तैयार, इस प्रक्रिया को एट्रेशिया कहते हैं, या स्टूडेंट एट्रेटिक फॉलिकल, सॉरी आगे बढ़े, यौवन अवस्था, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, पूरा तैयार मानू, एट्रेशिया तक का क्लियर, अब आइए स्टूडेंट और बात करते हैं आपसे। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, प्यूबर्टी स्टेज आई, श्योर, और प्यूबर्टी स्टेज आने पर अब प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन वापस स्टार्ट हो गया, जहां से रुका था वहां से, और अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट पूर्ण हुआ, अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट पूर्ण होता है प्यूबर्टी स्टेज पे, जबकि प्रारंभ होता है भ्रूणावस्था में, प्राइमरी फॉलिकल आई, एक दो प्राइमरी फॉलिकल है उनके अंदर स्टूडेंट विभाजन पूर्ण हुआ, हाँ, और विभाजन पूर्ण होने पर ये अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण हुआ,
इससे गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, पर यह विभाजन असमान आकार का, असमान प्रकार का था, अनिकुल। इससे एक बड़ी बॉल बनी जिसका नाम सेकेंडरी ऑसाइट रखा गया जो अगुणित थी, और एक छोटी अगुणित बॉल बनी जिसका नाम पोलर बॉडी रखा गया। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बॉल पोलर बॉडी और ये इतनी बड़ी बॉल सेकेंडरी ऑसाइट के नाम से, दोनों अगुणित थी पर दोनों में कोशिका द्रव्य की मात्रा भिन्न भिन्न थी। पोलर बॉडी में ध्रुवीय काय जिसे कहा गया प्राथमिक ध्रुवीय काय, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें कोशिका द्रव्य नगण्य मात्रा में दिया गया, गुणसूत्र पूरे आधे दिए गए, और सेकंड पोलर बॉडी ने सारा पीतक और सारा कोशिका द्रव्य ले लिया। डबल स्टार। आखिर पोलर बॉडी बनने का क्या सिग्निफिकेंट रोल है? इसको आगुणित करना यह सिग्निफिकेंट रोल है। बनने के बाद पोलर बॉडी नष्ट हो जाएगी स्टूडेंट, मनुष्य और अधिकांश संधारी में फर्स्ट पोलर बॉडी मर जाती है। जी हाँ, जब इसको नष्ट ही होना था तो बनी क्यों? आधे गुणसूत्र के चक्कर में। आज अगर पोलर बॉडी नहीं निकलती स्टूडेंट तो सेकेंडरी ऑसाइट भी डिप्लॉयड होता, द्विगुणित होता, तो फिर कैसे काम चलता? द्विगुणित सेकेंडरी ऑसाइट है, उसमें शुक्राणु जाता तो कैसे होता फिर? भ्रूण तो 3N बन जाता, त्रिगुणित। सेकेंडरी ऑसाइट को अगुणित करने के लिए पोलर बॉडी का निर्माण हुआ, तो फिर वो बराबर बराबर क्यों नहीं बनी? क्योंकि अगर पीतक और कोशिका द्रव्य आधा आधा ले लेते तो दोनों के अंदर भोज्य पदार्थ की कमी हो जाती, इसलिए सारा कोशिका द्रव्य और पीतक योग एक तरफ भर दिया सेकेंडरी ऑसाइट, और इसमें केवल गुणसूत्र और नगण्य मात्रा। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी ऑसाइट जो होता है वो मियोसिस सेकंड अर्धसूत्र विभाजन सेकंड प्रारंभ करता है, पर वो भी मेटाफेज अवस्था में रुक जाता है, और मेटाफेज अवस्था में रुका और अंडा अंडाशय से बाहर निकल कर आ गया। इस घटना को अंडोत्सर्ग के नाम से बुलाया गया, डबल स्टार। तो अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से जो अंडा बाहर निकलता है इसे अंडोत्सर्ग की घटना कहते हैं। यहां डबल स्टार है कि अंडोत्सर्ग के समय अंडा किस अवस्था में? अंडोत्सर्ग के समय अंडा सेकेंडरी ऑसाइट अवस्था में पाया जाता है। नहीं आई बात समझ में? अंडोत्सर्ग के समय अंडा सेकेंडरी ऑसाइट अवस्था में होता है, जन्म के समय अंडा प्राइमरी ऑसाइट अवस्था में होता है। श्योर। और मियोसिस सेकेंड प्रारंभ हो गया है पर पूर्ण नहीं हुआ। ये स्टूडेंट ध्यान से देखिए, स्टार्ट मियोसिस सेकेंड पर पूर्ण नहीं हुआ स्टूडेंट। ये लाइन अगर मैं खींच देता हूं, इस लाइन का मतलब ही यही है, या स्टार्ट मियोसिस सेकेंड डिवीजन बट स्टॉप एट मेटाफेज स्टेज, डन। ये है स्टूडेंट। अब फिम्ब्री फैलोपियन नलिका की जो फिम्ब्री थी वो गति करेंगी और इसको अंडा ले लेंगी, यानी फैलोपियन नलिका में सेकेंडरी ऑसाइट प्रवेश करता है, अंडाणु नहीं, ओवम नहीं, द्वितीयक अंडा प्रवेश करता है जिसमें मियोसिस सेकेंड प्रारंभ हो गया है। अब मियोसिस सेकेंड पूर्ण कब होगा? जब फैलोपियन नलिका में शुक्राणु आएगा। जी हाँ, और शुक्राणु आके निषेचन के दौरान स्टूडेंट, शुक्राणु जब जैसे ही प्रवेश करेगा तब जाके सेकेंडरी ऑसाइट में मियोसिस सेकेंड यानी अर्धसूत्र विभाजन द्वितीय पूर्ण होगा और तब एक अंडा ओवम बनेगा। शुक्राणु संयुक्त नहीं होगा अभी, शुक्राणु बस प्रवेश करेगा, उसके प्रवेश करते अर्धसूत्र विभाजन सेकेंड पूर्ण होगा और एक ओवम बनेगा और एक वापस सेकेंड पोलर बॉडी निकल कर आएगी स्टूडेंट। डबल स्टार। या स्टूडेंट, तो वापस बड़े आकार का ओवम बनेगा जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और पीतक होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। तो स्टूडेंट यहां एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक प्राइमरी ऑसाइट से एक ही ओवम बनता है जबकि हमने एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से चार शुक्राणु बनाए थे, जबकि एक प्राथमिक ऑसाइट से एक ओवम बना, एक द्वितीयक ऑसाइट से एक ओवम बना। 50 ओवम बनाने के लिए 50 प्राथमिक ऑसाइट चाहिए। डन डन डन। दिया है समझ? क्लियर हो रहा है? नहीं, कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। शुक्राणु आएगा फैलोपियन नलिका में, उसके बाद निषेचन के दौरान शुक्राणु के प्रवेश करते ही अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण होगा और तब ओवम बनेगा, उसके बाद ओवम और शुक्राणु समेकित होंगे। जी हाँ, अगर शुक्राणु नहीं आएगा फैलोपियन नलिका में तो नहीं, अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा सेकंड और ओवम नहीं बनेगा लड़की में। डन। ये अंडजनन का स्टूडेंट देखिएगा, ये स्टार्ट, ये पूरा हमने पढ़ लिया।
ये लाइन हमने पढ़ ली। अब आगे का प्युबर्टी में पहला अर्ध सूत्र विभाजन पूर्ण होता है। शानदार लाइन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम अर्ध सूत्र विभाजन कब पूर्ण होगा? प्युबर्टी स्टेज में पूर्ण होगा। इससे एक छोटी अगुणित फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी तथा एक बड़ी अगुणित सेकेंड ऊसाइट बनेगा, सेकेंड पोलर सेकेंड ऊसाइट। स्टूडेंट सेकेंडरी ऊसाइट में पोषक तथा कोशिका द्रव्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य तथा अधिकांश कशेरुकियों में प्राइमरी पोलर बॉडी विघटित हो जाती है। डन। सेकेंडरी ऊसाइट में द्वितीयक अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ होता है या कब होता है? प्यूबर्टी स्टेज पर। प्यूबर्टी स्टेज पर जो मेटाफेज में रुक जाता है और अंडा अंडाशय से मुक्त हो जाता है, इसको ओव्यूलेशन, अंडोत्सर की घटना कहते हैं। डबल स्टार श्योर, यानी इंपॉर्टेंट लाइन आगे स्टूडेंट। अंडोत्सर के समय अंडा सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होता है। नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट लाइन, अंडोत्सर के समय अंडा सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में होता है। शानदार लाइन नीट के लिए डबल स्टार स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे। द्वितीयक अर्धसूत्र विभाजन फैलोपियन नलिका में होता है निषेचन के समय, शुक्राणु के प्रवेश के बाद पूर्ण होता है, जिससे एक पोलर बॉडी बनती है। द्वितीयक ध्रुवीयता वो एक दीर्घ अगुणित ओवम बनता है स्टूडेंट। श्योर, ये भी हो गया। एक प्राइमरी ऊसाइट से एक अंडाणु बनता है। श्योर, ये तैयार स्टूडेंट। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और ये तैयार, मैं रिवीजन कराऊंगा। जन्म के समय अंडा प्राइमरी ऊसाइट स्टेज में, अंडोत्सर के समय अंडा सेकेंडरी ऊसाइट स्टेज में, मियो अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट कब प्रारंभ? भ्रूणावस्था में। अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट कब पूर्ण होगा? प्यूबर्टी स्टेज में। अर्धसूत्र विभाजन सेकेंड कब प्रारंभ? प्यूबर्टी स्टेज में, अंडाशय में। अर्धसूत्र विभाजन सेकेंड कब पूर्ण? फैलोपियन नलिका में, निषेचन के समय, शुक्राणु प्रवेश के बाद। डन। जन्म के पहला अर्धसूत्र विभाजन प्रारंभ होता है और अंडोत्सर के पहले पहला अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण होता है। डबल स्टार। तो अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है और अंडोत्सर के पहले पूर्ण होता है अंडाशय। ठीक, एनसीईआरटी की लाइन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ाई। अंड जनन प्रक्रिया में स्टूडेंट एक अंड एक प्राइमरी ऊसाइट से एक ही अंडा बनता है। शॉर्ट, अंडोत्सर के समय अंडा सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था में होता है। अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट भ्रूणावस्था में जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है और अर्धसूत्र विभाजन फर्स्ट अंडोत्सर से पहले अंडाशय में ही प्यूबर्टी स्टेज में पूर्ण होता है। क्लियर? तो इतने सारे पॉइंट्स जो हमारे तैयार हुए हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। जरा स्टार्ट। 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु निर्माण के लिए आवश्यक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और प्राथमिक ऊसाइट कितने चाहिए? जवाब दीजिए। वीडियो पॉज करके आंसर लगाइए फटाफट। 100 शुक्राणु बनाने, 100 अंडाणु बनाने, कितने प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट और कितने प्राथमिक ऊसाइट चाहिए? यस स्टूडेंट, आंसर 100 शुक्राणु बनाने के लिए एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, तो 100 के लिए 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये चाहिए स्टूडेंट। चलिए डन, अगला। और अगर 100 अंडाणु बनाने तो 100 प्राइमरी ऊसाइट ये चाहिए। डन। तैयार स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया और हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमने ऊ जाने से पढ़ा स्टूडेंट, अच्छी तरह तैयार याद हुआ कुछ? मिलियन उगोनिया जन्म भ्रूणावस्था में बनती है। जन्म के समय 4-5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेके जन्म होता है।
प्यूबर्टी स्टेज आने पर 60,000 से 80,000 एक अंडाशय में फॉलिकल बसती है और 48 से 50 साल की उम्र आने पर कोई फॉलिकल नहीं शेष रहती है, ठीक है, और इसलिए फिर फीमेल में गर्भावस्था और बाकी चीजें बंद हो जाती है। क्लियर, ये तैयार स्टूडेंट। तो 12 साल से लेकर 48 से 50 साल की उम्र फीमेल की स्टूडेंट जनन क्षमता फर्टाइल पीरियड कहलाता है, जिस समय वो गर्भावस्था भी शो करती है और उसमें अंडोत्सर्ग और अंडाणु का उत्पादन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अंडजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, वो है अंडाशय की संरचना। स्टूडेंट, अंडाशय मादा में उदर गुहा में ही इनका निर्माण होता है और उदर गुहा में ही रहते हैं। गर्भाशय की भित्ति से और पृष्ठदेह भित्ति से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। डन, ये अंडाशय मेसोडर्मल है। अंडाशय स्टूडेंट के ऊपर पेरिटोनियम का एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को मेसोवेरियम कहा जाता है। पेरिटोनियम का एक आवरण होता है जिसे मेसोवेरियम कहा जाता है। मैं अब आपको अंडाशय की संरचना शॉर्ट में जरा से इसको बता देता हूं। अंडाशय की संरचना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अंडाशय उत्पत्ति में मेसोडर्मल है, उदर गुहा में स्थित है मादा में, गर्भाशय और पृष्ठदेह भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए। अंडाशय के ऊपर पेरिटोनियम का आवरण होता है जिसे मेसोवेरियम नाम दिया जाता है। डन, मेसोवेरियम के बाद अंडाशय में जननी उपकला होती है जो बारंबार विभाजन करके उगोनिया का उत्पादन करती है किंतु भ्रूणावस्था में, और जननी उपकला के बाद अंदर होता है एक और आवरण श्वेत तंतु में योजी ऊतक का, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से बुलाया जाता है। श्वेत तंतु में योजी ऊतक का आवरण जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, वो आवरण। तो जननी उपकला फिर ट्यूब, उसके बाद अंडाशय की गुहा होती है। स्टूडेंट आइए मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए अंडाशय की संरचना बना के देता हूं। अंडाशय, और अंडाशय में स्टूडेंट कुछ इस तरीके से थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ये स्टूडेंट अंडाशय के बाहर का स्तर, इसके बाहर पेरिटोनियम का आवरण होता है स्टूडेंट, उसके बाद अंडाशय में ये जननी उपकला होती है। दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम स्टूडेंट, जर्मिनल, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो इसे जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से बुलाया जाएगा या जननी उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, श्योर स्टूडेंट, और ये विभाजन करके उगोनिया का उत्पादन करती है। उसके बाद अंडाशय में एक परत होती है श्वेत तंतुमय योजी ऊतक की, ये आपको दिखाई दे रही है, और इस परत का नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया रखा जाएगा स्टूडेंट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। श्योर स्टूडेंट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इस परत का नाम रखा जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अंडाशय की गुहा होती है स्टूडेंट, ये रही अंडाशय की गुहा। तो अंडाशय की गुहा, और अंडाशय की गुहा में योजी ऊतक भरा हुआ होता है स्टूडेंट। अंडाशय में भरे हुए योजी ऊतक को स्ट्रोमा के नाम से बुलाया जाता है। अंडाशय के अंदर योजी ऊतक भरा हुआ होता है गुहा में, और उस गुहा में भरे हुए योजी ऊतक को स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। या डन, डन, स्ट्रोमा के नाम से बुलाया जाएगा, और उस स्ट्रोमा के दो भाग किए जाते हैं स्टूडेंट। ये परिधीय भाग का पतला योजी ऊतक कॉर्टेक्स कहलाता है, और बीच में केंद्रीय भाग में बड़ा हुआ गाढ़ा गाढ़ा योजी ऊतक मेडुला कहलाता है। यानी स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉर्टेक्स हो जाएगा, कॉर्टेक्स, और अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट तो ये अंदर का केंद्रीय भाग में जो है इसे मेडुला नाम से बुलाया जाएगा, मेडुला, ये लीजिए स्टूडेंट। डन, और इन दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट तो ये दोनों मिलाकर स्ट्रोमा कहलाएंगे। तो अंडाशय के अंदर जो योजी ऊतक भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है स्टूडेंट, ये रहा। और स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर परिवर्तनशील पोटिकाएं होती है स्टूडेंट जो परिवर्तन करती है। जी हाँ, कॉर्टेक्स में परिवर्तनशील पोटिकाएं होती है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे करके यहाँ पर ये, फिर वो आगे डेवलपमेंट करेंगे, फिर ऐसे करके कॉर्टेक्स के अंदर परिवर्तनशील पुटिकाएं पाई जाती है स्टूडेंट, जोरदार पॉइंट है ये। और उसके बाद मेडुला की बात की जाए तो मेडुला में रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनी, ये सब उपस्थित होता है। तो आज अंडाशय के अगर संरचना देखें तो सबसे बाहर मेसोवेरियम नाम का आवरण, फिर जननी उपकला, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर कॉर्टेक्स, और फिर मेडुला।
मेडुला में रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनियां ये उपस्थित होता है और कॉर्टेक्स में स्टूडेंट परिवर्धनशील पुटिकाएं पाई जाती है। तो अंडाशय की संरचना एक छोटा सा टॉपिक और था जो हमने तैयार करा। ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, इसमें रक्त वाहिनियां, तंत्रिका तंतु जैसे प्रवेश करते हैं स्टूडेंट, या इस जगह पे ये रहा स्टूडेंट। अब जरा स्टार्ट थ्योरी की बात करते हैं। ये रहा अंडाशय जननिक उपकला से रेखित होता है जो कि उगोनिया का उत्पादन करती है। इसके भीतर योजयुता की परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है स्टूडेंट। डन। अंडाशय की गुहा में योजयुता भरा होता है जिसे ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ये दो भागों में विभाजित होता है, पहले कॉर्टेक्स स्टूडेंट या वल्कुट, ये बाहरी होता है, परिधीय भाग है इसमें परिवर्धनशील पुटिकाएं होती है, और सेकंड मेडुला, ये भीतरी और केंद्रीय भाग है, इसमें रक्त वाहिनियां, तंत्रिकाएं, लसिका वाहिनियां होती है। तो हमने अंडाशय की संरचना ली। अब उसके कॉर्टेक्स भाग में पुटिकाओं का परिवर्धन होता है स्टूडेंट, और उन पुटिकाओं के परिवर्धन में बनते हैं अंडाणु। तो पुटिकाओं का परिवर्धन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पर अभी तक अंडजनन और अंडाशय की संरचना हमारा टॉपिक यह है स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक का तैयार? ओके स्टूडेंट्स।